हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड एंड फिटनेस। मैं हूं किरण। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हड्डियों की कमजोरी दूर करने के लिए चाहिए ये आहार के बारे में। क्या शराब और तंबाकू के सेवन से हड्डियां कमजोर होती हैं? क्या विटामिन डी के टेस्ट से हड्डियों के कमजोर होने का पता चल जाता है? इससे पहले इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है हड्डियाँ भी कमज़ोर और नरम हो जाती हैं। शरीर को साल दर साल उम्र बढ़ने और अन्य चिकित्सा जीवन शैली और पर्यावरणीय कारणों के कारण हड्डियों और शरीर के पूरे ढांचों को कमज़ोर होने से रोकना और पहले वाली स्थिति में लाना संभव है। हड्डियों का घनत्व कम होने से हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि कंकाल की संरचना नाजुक हो जाती है। हड्डियों के कमज़ोर होने से घुटने, जोड़ों में दर्द के अलावा ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या भी हो सकती है। इसकी वजह से कई बार हड्डियाँ इतनी निर्बल हो जाती हैं कि छोटी से छोटी गतिविधि जैसे छींकने का असर भी होता है। माना जाता है कि 50 वर्ष से अधिक उम्र की हर 4 महिलाओं में से एक ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित है। हड्डियों के कमजोर होने के लिए जिम्मेदार बॉडी के ढांचे को मजबूत करने में पर्याप्त और स्वस्थ आहार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज आधुनिक जीवन शैली में निष्क्रियता बढ़ गई है। ज्यादा शराब और तंबाकू का सेवन एक और प्रमुख कारण है। इसके अलावा खान पान की आदतें शामिल है। इसमें आहार संबंधी विकार जैसे एनोरेक्सिया और भोजन में कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की कमी भी प्रमुख वजह है। स्वस्थ आहार भी है जरूरी। ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव के लिए कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी की आहार में आवश्यकता होती है। प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे दाल, राजमा, चौलाई, अनाज, नट और बीज बॉडी की मांसपेशियों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। विटामिन डी टेस्ट है जरूरी। विटामिन डी टेस्ट के माध्यम से बॉडी में कैल्शियम के स्तर का पता लगाया जाता है। इससे पता चलता है कि व्यक्ति को कितने कैल्शियम की कितनी आवश्यकता है। कुछ लोगों को हो जाता है साइड इफेक्ट। हड्डियों की कमजोरी की वजह से 45 साल की उम्र के आसपास या उसके बाद कैल्शियम टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है। ऐसे में कुछ लोगों को कैल्शियम की कुछ टैबलेट लेने से पेट में पाचन संबंधी शिकायत होने लगती है। ऐसे में डॉक्टर की सलाह के बिना दवा लेना बंद कर देते हैं। इससे हड्डियों या दर्द की समस्या जस की तस बनी रहती है। इसलिए डॉक्टर से दोबारा मिलना चाहिए तथा उन्हें बताकर उपचार में परिवर्तन करना चाहिए। सिर्फ टैबलेट से नहीं संभव उपचार। हड्डियां कमजोर हो गई हैं तो सिर्फ गोलियां लेने से भी काम नहीं चलेगा। कैल्शियम युक्त आहार की आवश्यकता भी इसलिए होगी क्योंकि तभी टैबलेट्स के कैल्शियम को बॉडी अवशोषित कर सकेगा। इसलिए आहार में फल, सब्जियां, एक मुट्ठी बादाम, दूध को शामिल करें। दूध के साथ दवा ना लें। इसके अलावा आहार में ब्रोकली, फूलगोभी, कुछ प्रकार की मछली जैसे सालमन और हरी पत्तेदार सब्जियां कैल्शियम के सभी अच्छे स्रोत हैं। अगर हड्डियों की कमजोरी की समस्या है तो डॉक्टर से सलाह लेकर सिर्फ आहार में बदलाव करके भी कई बार इस समस्या को ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया है हड्डियों की कमजोरी दूर करने के लिए ये है आहार। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी और भी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो के बारे में आपको अपडेट मिले। ईट हेल्दी, स्टे फिट, लिव हैप्पीली। बाय बाय।